आ चुके हैं अपने जावा प्रोजेक्ट का, जावा प्रोजेक्ट की सीरीज में नेक्स्ट क्लास पे। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा, तो जब ही समझ में आएगी ये वाली वीडियो भी। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वो तो हम इस वाली क्लास में करने के वाले हैं, पहले मैं वो बता दूँगा आपको। तो पहले मैं इसको पहले सिंपली रन कराता हूँ। और इस क्लास में हम करेंगे ये कि जो भी मेरी जो भी जितनी भी मैंने इससे पहले वाली क्लास में अपने डेटा को इंसर्ट कराया था अटेंडेंस वाला, तो वो सभी डेटा मेरे को देखना है। तो उसको मैंने टेबल में फेंच कराया, डेटा को सब पूरी पूरे डेटा को मैंने टेबल में इसको इंसर्ट कराया। और वो टेबल बनाई है मैंने, उस टेबल की कोडिंग हम देखने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में, इस वाली क्लास में। तो ये बिल्कुल उसी तरह होने वाली है जिस तरह हमने एम्प्लॉय की लिस्ट देखी थी कि कितने एम्प्लॉय मैंने अभी इंसर्ट कराए हैं अपने डेटाबेस में, कितने एम्प्लॉय हमसे जुड़ चुके हैं। तो उनकी लिस्ट देखने के लिए जो हमने क्लास की कोडिंग वहाँ पे करी थी, बिल्कुल डिक्टू वही कोडिंग हमने यहाँ पे भी की है। तो बस कुछ ही चेंजेज हैं, तो वही चीज़ हम देखने वाले हैं। बस एक बार रन हो जाइए तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो थोड़ा स्लो चल रहा है बट बिकॉज इसलिए क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ हाथों हाथ। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं गाइस, बिल्कुल सेम वही है जैसे कि हमने एम्प्लॉय की लिस्ट को टेबल में फैच किया था डेटा, तो उसी तरह करना है। आप देख रहे होंगे आपको यहाँ पे एक एरे लेना है एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ और डेट के लिए, जो कि मैंने यहाँ पे कॉलम दिए हैं ऊपर कॉलम के नेम, ठीक है। और सेकेंड हमने एरे लिया है, सेकेंड टू डायमेंशनल एरे, सेकेंड एरे है हमारा। तो उसमें 20 तो मेरी रो है और 4 कॉलम है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कोडिंग पे। और ये फोन टेप वगैरह तो आपको लेने आती ही है, सुपर क्लास सुपर मेथड का यूज़ करना भी अब आपको आता ही है। तो अभी मैं चलता हूँ कनेक्शन, मैंने यह जो बनाया कनेक्शन क्लास पे, ठीक है, कनेक्शन क्लास मैंने बनाई है। और मैंने डेटा को फैच किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अटेंडेंस, जो मेरे डेटाबेस में क्वेरी है, सॉरी डेटाबेस जो मेरी टेबल बनी हुई है अटेंडेंस नाम से, वहाँ से मैंने डेटा को फैच किया अटेंडेंस से। और उसके बाद गाइस मैंने इसको रिजल्ट सेट में रखा और REST ऑब्जेक्ट बनाया मैंने STM का, एग्जीक्यूट क्वेरी कराई मैंने वाइल में डाला REST.next, जब तक कि वाइल कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक मेरा डेटा पूरा फैच होता रहा है यहाँ पे। तो YIJ++ मतलब कि कॉलम टू कॉलम चलाना है, पहली रो में कॉलम टू कॉलम डेटा फैच होएगा और इसी तरह से सभी डेटा को फैच कराना है। उसके बाद I++ मतलब कि नेक्स्ट रो पे जाना है और कॉलम हमें फिर से शुरू से करने हैं स्टार्ट जीरो से। तो और मैंने इसको डीपली बताया आपने जो लिस्ट एम्प्लॉय वाली क्लास थी मेरी यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो अभी आप वो वीडियो शुरू से देखिए तभी समझ में आएंगी चीज़ें। और T.newTable में डेटा को हमने इसको डेटा को टेबल में इंसर्ट किया Y+Y,X से, और T.setFont कैच एक्सेप्शन को मैंने यहाँ पे कैच किया है, ठीक है, फैच के लिए एक्सेप्शन को, सॉरी गाइस एक्सेप्शन को मैंने यहाँ फैच किया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे स्क्रोल स्क्रोल जे स्क्रोल पैन को मैंने मुझे यहाँ पे स्क्रोल भी तो ऐड कराना पड़ेगा क्योंकि फिर टेबल में काफ़ी सारा डेटा आएगा, तो नीचे देखने के लिए उसको स्क्रोल में ऐड किया मैंने जे स्क्रोल पैन, ठीक है। ऐड JS और बटन बनाया मैंने यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए वैल्यू को, ठीक है, BT1 इक्वल टू न्यू जे बटन और प्रिंट। और फिर मैंने उसको BT1 उसको फिर मैंने कलर और उसका बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को चेंज किया, ठीक है। उसको फिर मैंने यहाँ पे फॉन्ट लगाया, मैंने BT1.setFont ऐड कराया और उसको मैंने फिर साउथ में ऐड करा दिया बटन को अपने, बस इतना काम था। और जो मेरा ओवरराइड कराने वाला फंक्शन होता है एक्शन परफॉर्म, उसमें मैंने बटन बंच अगर मेरा गेट सोर्स आ रहा है तो मैं सिंपली मुझे प्रिंट करा देना है, T.print मेरे को कॉल कराना है। और बस आपको और कुछ नहीं करना, ये एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा बिकॉज क्योंकि तो और गाइस आपको फिर यहाँ पे जब आप प्रिंट करा देंगे इसको तो इससे होगा ये कि जो आपका प्रिंट कराने के लिए कोई PDF प्रिंट कराते हैं जब आप, तो एक विंडो ओपन होती है तो वो ओपन हो जाएगी जैसे कि आप कोई PDF वगैरह प्रिंट करते हैं उसके लिए। और उसको आपको ट्राई कैच में रखना पड़ेगा, एक्सेप्शन शो कर गए बिकॉज क्योंकि तो इसको नहीं पता कि आपके आपके लैपटॉप से प्रिंटर जुड़ा हुआ है या नहीं, इसलिए तो एक अनचाही एक्सेप्शन आपको शो करेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, क्लास का कॉल करना है बाई डिफ़ॉल्ट इससे कंस्ट्रक्टर को और आपकी क्लास रन हो जाएगी। इतनी सिंपल सा काम करना था गाइस, इतनी सिंपल क्लास थी। अगर आपको प्रोजेक्ट समझ में आया, अच्छा लगा, थोड़ा सा भी समझ में आया, एक लाइन भी समझ में आई है, तो चैनल को लाइक कर दो, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ भाई समझ में आया या नहीं, और किस प्रोजेक्ट पे किस टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाऊँ वो भी बताओ कमेंट में करके। तो चलिए, थैंक यू।